हम्म हेलो हाय एवरीवन क्या हालचाल है सभी के मेरा नाम है विनय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में गाइस तो शाम के छह बज चुके हैं सो वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल चलिए जल्दी से आ जाइए मेरे सूरमाओ गुड इवनिंग गुड इवनिंग बबीता हेलो एन के हेलो मनप्रीत हाय वर्षा हेलो प्रिया राधे राधे क्या बात है ना चलिए आ जाइए सभी लोग फटाफट से यहाँ पे तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे है ना और अच्छे से अपनी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अच्छे से यहाँ पे जो गर्दा है वो उड़ा रहे होंगे ठीक है तो यहाँ पे आज अपन लोग कौन सा से सेट करेंगे सेट नंबर जो एट है इसको अपन शुरुआत करेंगे साथ ही साथ ये जो लेक्चर है ना जो कि आपके मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर इसी के लिए हेल्पफुल होगा नहीं जितने भी एस एस है या फिर आर आर बी है ना जितने भी सेक्शन है उन सब के लिए क्या होगा आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ठीक है चलो तो फटाफट से एक बार सभी लोग लाइक एंड शेयर कर देंगे है ना लाइक एंड शेयर में कोई भी कंजूसी नहीं रखना है ठीक है हेलो रोहित गुड इवनिंग राहुल क्या हाल है चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन को चलिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है और लॉक कर दीजिए पूरे एक लाख रुपए का क्वेश्चन है पहला ही क्वेश्चन है ना तो इलेक्ट्रोडर टाइप इंस्ट्रूमेंट आर इन अ का मतलब होता है एक आपका आवरण है ना यानी कि एक आपका हम्म मतलब एक आपका इनक्लोजिंग मेडअप ऑफ हाई परमेबिलिटी मटेरियल टू तो देखो जो इलेक्ट्रोडमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपन क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं क्या क्या यूज कर सकते हैं इनका देखिए यहाँ पे <coughs> तो इनका जो कॉमन एप्लीकेशन है तो यहाँ पे इनका आप वॉट मीटर की तरह यूज कर सकते हो जो कि कॉमन आपका यूज है वॉट मीटर है ना दूसरा आप देखिए रिएक्टिव पावर मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हो आप दूसरा यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर एंड अमीटर की तरह यूज कर सकते हो

तो जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मुझे डाटा इस समय ठीक से याद नहीं है आपका होता है आपका ना ये मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ पे है ना दैट इज द एस्ट्रीम मैग्नेटिक फील्ड अगर वो यहाँ पे इफेक्ट डालेगी तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा फील्ड क्या होगा आपका डेविएट होगा और अगर फील्ड डेविएट हुआ तो आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये क्या होगा आपका डेविएट होगा तो पॉइंटर क्या करेगा डिफ्लेक्ट है ना इधर से इधर नाचने लगेगा आपका कमर हिला के है ना तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको शील्ड यानी कि केजिंग से इंक्लोज कर देते हैं सो दैट स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी यहाँ पे इफेक्ट ना पड़े तो ऑप्शन सी आपका एकदम बढ़िया ऑप्शन है चलो अगला देखो प्रश्न हमारा यहाँ पे इसको साइड में ले आओ खिसका दो यहाँ पे हम्म थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं चलो ठीक क्वेश्चन है कौन बताएगा इसका आंसर हाथ खड़ा करो है ना इस तरीके से हाथ खड़ा करो जल्दी से तो यहाँ पे धर्मराज लब्दी प्रियंका वर्षा है ना सभी लोग बढ़िया आंसर्स बता रहे हैं आप लोग हम्म देखो अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो द इनपुट ऑफ हाफ एडर तो यहाँ पे हाफ एडर में इनपुट क्या है ए और बी और ए और बी का यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखा है आपको एक दे रखा है ना कितना दे रखा है आपको ए और बी दोनों ही आपकी यूनिटी है ना एक दे रखा है अब इसके बाद देखिए द आउटपुट कनेक्टेड टू द दिलेक्टेड इनपुट लाइन फोर इंटू वन मल्टीप्लेक्सर तो यहाँ पे देखो ये रहा आपका हाफ हाफ एडर एडर का एक आउटपुट क्या निकलता है सम और दूसरा क्या निकलता है कैरी और यहाँ पे ये यह कैसे काम कर रहा है एज एन इनपुट की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सर है वाई ये इसका आउटपुट है वाई फोर इंटू वन का ये आउटपुट आपको निकालना है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है चलो देखो क्या आंसर आएगा यहाँ पे तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये यह रहा आपका सिलेक्टिव लाइन है ना तो सेलेक्टिव लाइन हमारा एस वन एस नॉट और ये आउटपुट हो गया वाई हमारा तो जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन है ना तो देखो यहां पे जब जीरो जीरो होगा हमारा तो आउटपुट क्या निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ पे जो आउटपुट वाई है ये क्या निकल के आ जाएगा अब देखो किस तरीके से निकालोगे है ना तो जब यहाँ पे जीरो जीरो सेलेक्ट होगा तो हमारी आई नॉट वाली लाइन सेलेक्ट होगी हमारी है ना जीरो जीरो, कितना जीरो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा बार बार नॉट मल्टीप्लाई किससे कर दो यहाँ पे आई नॉट से मल्टीप्लाई कर दो नॉट से मल्टीप्लाई कर दो प्लस इसके बाद देखो यहाँ पे जीरो वन जीरो बट कितना हो जाएगा वन हो जाएगा हमारा तो वन वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी आपकी तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में एस वन बार इंटू एस नॉट प्लस आई वन नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सिमिलरली एस वन इंटू एस नॉट बार इंटू आई टू और अगला क्या हो गया आपका एस वन इंटू एस नॉट इंटू आई थ्री ठीक है अब देखो यहाँ पे एस वन का वैल्यू क्या होगा और एस नॉट का वैल्यू क्या होगा तो जो एस वन है हमारा एस वन किसके इक्वल है यहाँ पे सम के इक्वल है ना एस वन क्या है आपका सम और सम क्या होता है हाफ एडर का एक्सोर बी होता है हमारा होता है कि नहीं होता है तो अब यहां पे जो एस वन का वैल्यू है तो यहां पे देखो इनपुट क्या है आपका सेम इनपुट है ना यानी कि वन और वन तो आपको पता है यहां हैं नथिंग बट ए बार बी प्लस ए बी का बार है ना तो ये कितना आ गया जीरो आ गया कैरी कैरी क्या हो गया यहां से आपका एस टू कैरी तो कैरी का वैल्यू कितना होता है हमारा ए बी तो कैरी कितना आ गया वन आ गया तो यहां पे हमारे पास में फाइनली एस वन का वैल्यू कितना आ गया जीरो और एस टू कितना आ गया वन आ गया रख दो तो यहाँ पे देखो है ना फटाफट से रख दीजिएगा तो ऑप्शन मैच कर लो आई थिंक ऑप्शन जो डी है वो आ रहा होगा आपका ना तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं एकदम ठीक क्वेश्चन था बहुत ज्यादा मतलब हाई फाई क्वेश्चन तो नहीं कह सकते डिपेंड करता है कि आप इसके बारे में सोचते क्यों है ना थिंकिंग क्या कहती है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना देखने को तो बहुत सारी चीजें गुड इवनिंग पायस चलो यहाँ पे धर्मराज बबीता पायस मंत्री सभी लोग है ना गर्दा उड़ा रहे हैं चलो जल्दी से आंसर बताओ द मोस्ट इफिशियंट पावर प्लांट इज कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जो सबसे ज्यादा इफिशियंट होगा इफिशियंट मतलब यहाँ पे कौन सा पावर प्लांट ऐसा है जिसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी कौन से क्योंकि बताओ हाइड्रोल होगा या फिर कोल कोल मतलब थर्मल पावर प्लांट है ना या फिर न्यूक्लियर या फिर डीजल इंजन अब न्यूक्लियर सुन के पावर में मत चले जाना कि सर न्यूक्लियर पावर है ना जैसे पाकिस्तान कैसा रहता है ना हमारे पास तुमसे ज्यादा एटम बम है ना, गिरा देंगे। अरे गिराओगे तो तब, जब हम गिराने का मौका देंगे, तब ना चलो तो यहां पे देखो, प्रिया पायस राहुल चलो सभी लोग बताइए जल्दी से तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्लांट है ना इसकी इफिशियंसी जो है 84 से लेके 86 परसेंट तक होती है ना तो सबसे ज्यादा इसकी सी होती है और जो थर्मल पावर प्लांट है इसकी अप्रोक्मेट ट्वेंटी और जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसकी ऑलमोस्ट आपका 50 से 56 होती है और इसका आई थिंक से लेके 35 तक इफिशियंसी होती है किसकी डीजल इंजन पावर प्लांट की तो सबसे ज्यादा जो इफिशियंसी वो निकला वो किसका निकला हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का बट एज यू नो कि सबसे ज्यादा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो किससे की जाती है हमारी है चलो मोदी जी देखो बहुत यहाँ पे रिन्यूबल एनर्जी उसकी तरफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में भी है। चलो तो यहाँ पे देखो प्रियंका राहुल अभिषेक सभी लोग आंसर बता रहे हैं अगला प्रश्न देखो यहाँ पे रोड गैप अरेस्टर लिमिटिंग रजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रॉड इन ऑर्डर टू तो सबसे पहली बात तो ये सर होता क्या है रोड गैप अरेस्टर है ना होता क्या है ना सबसे पहली बात तो ये कि हमको पता होना चाहिए क्या होता है चलो तो जल्दी पहले आप लोग आंसर बताएंगे फिर उसके बाद चलते हैं हम्म बिल्कुल थर्मल का ज्यादा यूज होता है ना कि कोयला हमारे पास बहुत सारा है अब देखो यहां पे बात किसकी की जा रही है करंट लिमिटिंग सॉरी यहां पर रॉड गैप अरेस्टर है ना तो देखो रॉड गैप अरेस्टर तो अरेस्टर नाम से वो वाला अरेस्ट नहीं कि आपको अरेस्ट कर लिया है ना पुलिस ने हथकड़ी नहीं लगाई है अरेस्टर मतलब यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर हो सकता है रोड गैप अरेस्टर होता है ना तो अरेस्टर का काम क्या होता है डाइवर्ट द दा सर्च डाइवर्ट द दा सर्ज या फिर जो फॉल्ट करंट है उसको इंटरप्ट करना ठीक है तो देखो यहाँ पे इस तरीके के रॉड गैप होते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा लाइन होती है यहाँ पे एक लाइन जो हमारी जो आपका अरेस्टर है अरेस्टर का जो एक पार्ट है वो यहाँ पे लाइन से कनेक्ट रहता है आपका कंडक्टर से और जो दूसरा पार्ट है वो हमारा किससे कनेक्ट रहता है यहाँ पे देखिए जो ग्राउंड है आपका यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट रहता है और बीच में हम क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे जो आपका गैप है गैप प्रोवाइड करते हैं अब देखो यहाँ पे जो है आपका शो नहीं है यहाँ पे सीरीज में हम क्या करते हैं इसके साथ में रजिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं तो एज यू नो कि जो रजिस्टेंस है हमारा इन द फॉर्म ऑफ आई स्क्वायर लॉसेस है ना किसी भी अमाउंट को जो यहां पे अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज को यहाँ पे कंज्यूम कर सकता है ना तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करेगा जो करंट है करंट को क्या करेगा यहाँ पे लिमिट लगा देगा जिसकी वजह से एक्सेसिव करंट हमारा फ्लो नहीं हो पाएगा इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं रेजिस्टेंस यूज करते हैं ठीक है वाइल यहाँ पे जो आपका रॉड गैप अरेस्टर है किसके लिए यूज किया जाता है आपका सर्ज को डाइवर्ट करने के लिए या फिर जो फॉल्ट है फॉल्ट को डाइवर्ट करने के लिए यूज किया जाता है तो हमारा राइट right ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा अवॉइड द स्पार्किंग इवन एट अ लो वोल्टेज ऑब्वियसली लो वोल्टेज होगा तभी तो ट्रांसफॉर्मर में हाई करंट देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं। द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी मशीन इज लैमिनेटेड टू मिनिमाइज अब देखो ये जो बच्चा क्वेश्चन है ना इसका आंसर तुम सब लोग दोगे तुम सब लोगों का कोटाई हो जाएगा चलो जल्दी से बताओ हम्म जल्दी से बताइए यहाँ पे द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी मशीन इज लैमिनेटेड टू मिनिमाइज बताओ जल्दी से तो यहाँ पे देखो लवदीप कौशल बबीता धर्मराज सना प्रियंका अभिषेक है ना गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने कसम से अब देखो यहाँ पे अब आपको पता है कि जो हमारा एडी करंट लॉस देखो ये भाग रहा है तो एज यू नो कि यहाँ पे दो तरीके के लॉसेस आपके पाए जाते हैं एक तो लॉसेस और दूसरा हमारा एडी करंट लॉसेस है ना तो यहाँ पे देखिए जो एडी कर आपकी आर्मेचर की जो कोर होती है हमारी है ना यहाँ पे देखो स्लॉट कटिंग करते हैं इस तरीके से लाइक like दिस है ना इस तरीके से स्लॉट कटिंग करते हैं हम लोग और ये जो स्लॉट कटिंग है यहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग जो वाइंडिंग है वाइंडिंग को प्लेस करते हैं तो एज यू नो कि यहाँ पे जो आर्मेचर कोर है और को हम क्या करते हैं यहाँ पे लेमिनेट करते हैं जिससे आपका करंट इंड्यूस ना हो सके है ना तो अब देखो यहां पे हम किसका यूज करते हैं जो सिलिकन स्टील का लैमिनेशन है सिलिकन स्टील का लेमिनेशन यूज करते हैं अब देखो यहां पे स्टील के साथ में जो सिलिकन है इसको क्यों हम ऐड करते हैं एज यू नो कि स्टील का कंडक्टिविटी हाई होता है तो यहां पे स्टील की कंडक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे जो सिलिकन है सिलिकन को इसमें ऐड कर देते हैं एक तो पहला रीजन ये हो गया दूसरा रीजन ये होता है कि जो सिलिकन है इसके साथ स्टील में क्यों मिक्स किया जाता है जिससे मटेरियल जो हमारा ज्यादा ब्रिटाइल ना हो सके तो यहां पे देखो फोर से फाइव जो आपका यहाँ पे मिक्सचर आएगा वो आपका सिलिकन का रहेगा और यहां से नाइंटी सिक्स से लेकर नाइन परसेंट तक यहां पे इसकी कंडक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए एंड ऑल्सो मटेरियल जो आपका ज्यादा ब्रिटाइल ना हो पाए तो क्या हो जाएगा हमारा एडी एडीकरेंट लॉसेस कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है बेटा ठीक है कॉन्सेप्ट क्या है बहुत जरूरी है चलो एसी वोल्टेज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू अंडरलाइन कर दो है ना जहां पे भी तुमको मुन्ना भैया दिखे वहां पे क्या कर दो तुरंत ही अंडरलाइन करो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू द हंड्रेड वोल्ट देखो है ना मैक्सिमम वैल्यू हंड्रेड वोल्ट है अच्छा सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज सर्किट क्या लिखा है पे सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज सर्किट द पीक इनवर्स रेटिंग दस एस सी आर शुड बी तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है पे जो आपका एस सी आर है ना तो एस सी आर की जो पीक इनवर्स पीक इनवर्स वोल्टेज है उसके बारे में बात किया जा रहा है चलो जल्दी से बताएंगे सभी लोग बिट बिट फास्ट फास्ट गर्दा उड़ा दीजिए है ना बचना नहीं चाहिए जल्दी से गर्दा उड़ाओ तो यहाँ पे देखो कौशल वर्षा सभी लोग अच्छे से आंसर बता रहे हैं जल्दी से बताएंगे सभी लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात की जाए ब्रिज की है ना तो देखो इस तरीके से हम यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको बनाते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ पे जो चार टायरिस्टर है चार टायरिस्टर को यूज किया जाता है ओके okay, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग लोड लगा देते हैं और यहाँ पे जो सप्लाई है सप्लाई जो है आपकी यहाँ पे कनेक्ट रहती है ठीक है तो ये हमारे क्या है एस सी आर है अब देखो यहाँ पे यहाँ पे आप क्या दोगे सिंगल फेस जो सप्लाई है वो आप यहाँ से दे देते हो अब देखो यहाँ पे जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है ये होता क्या है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज है ना पीक इनवर्स वोल्टेज इज डिवाइस है कहां पर ऑपरेट होती है रिवर्स वाइज कंडीशन में है ना तो जो हमारा टायरिस्टर है टायरिस्टर रिवर्स वाइज कंडीशन में कैसे काम करेगा एज ए ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा ये जो रिवर्स वोल्टेज है रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करेगा अब जो ब्लॉकिंग होगी वो कितनी ब्लॉकिंग होगी आपकी यही वाले ब्लॉकिंग होगी ना तो ये हमारा क्या है पॉजिटिव वीएम और ये हमारा क्या है इट इज ने निगेटिव वीएम तो यहाँ पे किसको ब्लॉक करेगा इधर प्लस वीएम या माइनस वीएम को ब्लॉक करेगा है ना सो दिस इज नथिंग बट पीक इनवर्स वोल्टेज तो पीक इनवर्स वोल्टेज आपका कौन सा वोल्टेज हुआ द द द द वोल्टेज अपीयर अक्रॉस डिवाइस डिवाइस ऑपरेटेड इन रिवर्स वाइज कंडीशन तो यहां पे पीक इनवर्स वोल्टेज आपका क्या निकल के आ गया पीक इनवर्स वोल्टेज इज नथिंग नी एम निकल के आ गया ठीक है तो so, ऑलरेडी आपको वीएम कितना दे रखा है हंड्रेड वोल्ट तो कितना हो गया हमारा हंड्रेड हो गया कि नहीं हो गया अगर आरएमएस दिया होता यहाँ पे तब यहाँ पे क्या होता आपको रूट टू से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना अगर यहाँ पे मेंशन नहीं होता मैक्सिमम वैल्यू की जगह तो अल्टीमेटली पे क्या होता आरएमएस वैल्यू क्योंकि गिवन हमारी जो पावर सिस्टम में क्वांटिटी होती है वो हमेशा किस में स्पेसिफाइड होती है आरएमएस में स्पेसिफाइड होती है जैसे मैं यहाँ पे एन वोल्टेज वैल्यू ऑफ वोल्ट तो आप यहाँ पे क्या दिमाग में फिट कर लेना अब यहाँ पे इस ने किसके बारे में बोला है यहाँ पे RMS value के बारे में बोला है ना तब आप डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू नहीं ले सकते है। ठीक है इतना याद याद रखेंगे और यहाँ पे याद रखना वैसे तो सबके लिए VM होता है नोट करके देखना यहाँ पे ये शायद पूछा जा सकता है मिड पॉइंट कन्वर्टर या फिर इसी को क्या बोलते हैं सेंटर टब्ड रेक्टिफायर तो मिड पॉइंट कन्वर्टर या फिर मिड पॉइंट रेक्टिफायर में आपका जो पीक इनवर्स वोल्टेज मिलेगा पी आई वी वो कैसा मिलता है आपको

बहुत बढ़िया है ना अब देखो यहां पे बात करेंगे हम लोग किसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले के बारे में तो देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले है ना ये रिले आजकल यूज ही नहीं होता है ये जो रिले है आजकल यूज नहीं होता है अब आप बोलोगे सर क्यों यूज नहीं होता है कोई तो रीजन होगा ना डेफिनेटली इसने कुछ ना कुछ कांड किया होगा तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले है ना इसका जो टॉर्क है टॉर्क यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल निकलता है वन माइनस कॉस

आपका जो है ब्लास्ट तो हो ही होना है यहाँ पे है ना तो यहाँ पे डबलिंग इफेक्ट में भी यही कहानी होती है कि एक बार फॉल्ट सिग्नल के लिए आपका यहाँ पे रिले दो बार ऑपरेट कर जाएगा तो ऐसा हमको नहीं चाहिए ना तो इसीलिए हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले है ये, ये यूज नहीं किया जाता तो हाउ एवर ये ए सी एज एस वेल एज डी दोनों पे ही ऑपरेट हो सकता है ठीक है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं ओके चलो तो इसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं इंडक्शन टाइप जो रिले है यूनिवर्सली उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले चलो आगे चलते हैं हम लोग यहां पे द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय चलो जल्दी से बताएंगे यहां पे सर थर्ड अप्रैल को डी जेई का एग्जाम है अरे धर्मराज फोर देना है ना बिल्कुल है ना शानदार जानदार बचने ना भाई इस बार डीडीए जेई एक जॉब इस बार डीडीए जेई में पक्का कर नहीं करना है ठीक है मैकेनिकल में मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ज्यादा यहां पे है ना मतलब महाभारत करने की जरूरत नहीं है बस इतना पढ़ लेना कि 20 से 25 क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाए बहुत ज्यादा नहीं बीस क्वेश्चन भी अगर आप सोल्व करके आ गए ना आई गारंटीड यू आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता चलो अब देखो यहां पे अगले प्रश्न की तरफ तो यहां पे देखो हमारी जो पावर होती है पावर है ना अरे यार ये भाग जाता है तो गाइज यहाँ पे पावर के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो आपकी पावर होगी रिसीविंग एंड पावर और सेंडिंग एंड पावर है ना इसका वैल्यू क्या होता है हमारे पास में अपॉन साइन डेल्टा है ना तो आप देखें कि यहां से जो हमारी रिसीविंग एंड पावर है वो किसके प्रपोर्शनल आ रहा है एक्स एल के इनवर्स प्रपोर्शनल आ रहा है और इसका वैल्यू क्या होता है आपका टू पाई एफ एल होता है तो यहाँ से जो आपकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है सबसे ज्यादा किससे अफेक्टेड होगा हमारा जो इंडक्टेंस है इंडक्टेंस से सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी आपकी अफेक्ट होती है एंड ऑल्सो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पावर सिस्टम है सीरीज आपका जो कंपोनेंट होगा सीरीज कंपोनेंट ऑलवेज हमारा क्या होगा यहाँ पे इंडक्टर ही होगा और शंट कैपेसिटेंस आपको पता ही है अब आप पूछ सकते हैं कि सर कैपेसिटेंस इतना ज्यादा इफेक्ट क्यों नहीं करेगा क्योंकि देखिए कैपेसिटेंस इफेक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम यहां पे में भी करते हैं, तो उसकी से क्या होता है आपका वोल्टेज कॉन्स्टेंट हो जाता है पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो जाता है तो ये जो इंडक्टर है सबसे ज्यादा यहां पे, यह आपका क्या करता है अफेक्ट करता है लाइन को एंड ऑल्सो जीएमडी और जो जीएमआर वाला कॉन्सेप्ट है ना उससे भी यहाँ पे जो इंडक्टेंस है ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अब एनसीआर देखो बहुत बड़ा है ना चलो आंसर बताइए यहां पे द शॉर्ट सर्किट रेशियो ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज गिवन बाय द रिलेशन अंडर द रेटेड स्पीड कंडीशन अब देखो डायरेक्ट यहां पे जो एस सी आर है एस सी आर का क्या पूछा गया यहां पे डेफिनेशन पूछा गया है चलो बताएंगे फटाफट से यहां पे शॉर्ट सर्किट रेशियो तो जो हमारा एस सी आर होता है एस सी आर क्या होता है वन अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स डी डबल डैश तो ये एक्स डी डबल डैश क्या है दैट इज सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है ना और ये पर यूनिट में होगा यहाँ पे एस डबल आर और ये क्या है सब रिएक्टेंस और वैल्यू आपकीप्ट सीखिएगा जरा तो एस सी आर यहाँ पे एक्स के क्या रहा है ध्यान देना है ना तो अगर यहाँ पे एस सी आर शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू अगर मैंने हाई लिया तो एक्स डी का वैल्यू कितना होगा आपका लो होगा आपका और एक्सटी अगर कम हुआ तो इट मीन दैट आपकी जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है पी पी क्या होगा आपका? होगा आपका हाई कि नहीं होगा आपका है है ना तो यहां पे आप जो है यहां से एनालिसिस कर सकते हैं कि एक्सटी की वैल्यू अगर कम एस सी आर आपका हाई होगा और जो पावर है हमारा पावर ऑल्सो प्रपोर्शनल क्या है वन अपॉन एक्स होता है तो यहां से डिफरेंट डिफरेंट जो कंक्लूजन है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं हाउ अगर आप बात करते हैं इसके डेफिनेशन की तो देखिए जो एस सी आर होता है हमारा एस सी आर क्या होता है आपका रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फील्ड करंट है ना किसके लिए टू जनरेट ओपन सर्किट रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज टू द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फील्ड करंट टू सर्कुलेट रेटेड आर्मेचर शॉर्ट सर्किट करंट तो आपका क्या हो जाएगा फील्ड करंट रिक्वायर्ड फॉर द ओपन सर्किट वोल्टेज फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट रेटेड आर्मेचर शॉर्ट सर्किट करंट तो देखो यहां पे कौन सा आ रहा है हुँ? देखो ये हटा दो यहाँ पे ओपन सर्किट ओपन सर्किट देखो कितना बुड़वक इंसान है ना ओपन सर्किट करंट कभी होता है क्या करंट आपका जीरो ना हो जाएगा कितना एकदम बुड़बक वाली बात कर रहा है फील्ड करंट फॉर रेटेड शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कभी होता है क्या कभी नहीं होता है ना फील्ड करंट फॉर रेटेड शॉर्ट सर्किट ये भी गलत हो गया फील्ड करंट हाँ देखो ये मिल गया अपने आपने कहा ऑप्शन डी आपको मिल गया ठीक है चलो कितनी गलत बात बोलता है इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ द मेजर एडवांटेज ऑफ रेडियल चलो बढ़िया फटाफट से आंसर बताए यहां पे। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर है ना तो देखो यहां पे जैसा कि आपको पता है सबसे पहले अगर आप चलना स्टार्ट करोगे है ना इस तरीके से ना इस तरीके से चलना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा यहाँ पे जनरेशन जनरेटिंग स्टेशन से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ट्रांसमिशन लाइन मिलता है ठीक है ट्रांसमिशन लाइन को हम उसके आगे क्या निकालते हैं फीडर निकालते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो सब स्टेशन है उनके लिए भेज दिया जाता है तो उसके बाद यहाँ पे क्या मिलता है अपने को फीडर मिलता है ना अब देखो फीडर क्या होता है फीडर आपका वो होता है जहां पर आपकी कोई भी लोड टैपिंग नहीं ली जाती है ना यानी कि लोड यहां पे जीरो रहता है कोई भी लोड टैपिंग नहीं आएगा ना नो लोड नो लोड टैपिंग अब ये जो यहां से फीडर है हमारा फीडर है ना ये जो फीडर है फीडर कहां जाएगा आपका भागते हुए देखो फीडर जो है यहां से क्या निकालेगा डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन निकालेगा और सर्विस मीन पे चला जाएगा अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं ना रेडियल सिस्टम होता है रिंगमेन होता है हमारे पास में तो यहाँ पे पूछा किसके बारे में गया है रेडियल के बारे में पूछा गया है अब देखो जो रेडियल है रेडियल सिस्टम इस तरीके का होता है कि रेडियल सिस्टम में हमारे पास में क्या होता है सिर्फ सिर्फ एक पावर सोर्स होता है ना सिंगल सोर्स होता है सिंगल सोर्स है ना अब यहाँ पे देखो ये जो आपका सिंगल सोर्स है सिंगल सोर्स है ना यानी कि हमारे पास क्या होगा एक ही पावर जनरेशन होगा और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट आपके जो फीडर है वो निकाले जाएंगे है ना आप देख सकते हैं ना तो डिफरेंट डिफरेंट जो लोकलिटी यहां से कनेक्ट है अब देखो यहाँ पे इसका सबसे अच्छा एडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत ही सस्ता पड़ता है ना लेस एक्सपेंसिव होता है यानी कि खर्चा कम होता है ठीक है तो एक्सपेंशन जो आपका एक्सपेंस है वो काफी कम होता है लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या है अगर गलती से भी देखो यहां फॉल्ट हो गया है ना इसके घर पे गलती से भी फॉल्ट हो गया तो बाकी ये मतलब हम तो मतलब वही वाला हिसाब हो गया कि हम तो डूबेंगे बट सनम तुमको ही ले डूबेंगे है ना तो यहाँ पे ये तो डूबा साथ में इसको भी ले डूबा है ना तो यहाँ पे अगर कहीं भी एक फॉल्ट हो गया तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या हुआ आपका खराब हो गया आपका हालांकि इंडिया में सबसे ज्यादा यही यूज होता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये यूज होता है आपका ठीक है चल तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा लो इनिशियल कॉस्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर चलो अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे आप सभी लोग क्या होगा राइट आंसर यहां पे गर्दा उड़ा दो जल्दी से यार तो यहां पे देखो प्रियंका सना वर्षा एनके शुभम सभी लोग बढ़िया तरीके से सा आंसर आप लोग बता रहे हैं ना बहुत अच्छी बात है चल तो फटाफट से यार गर्दा उड़ा दो अगले क्वेश्चन का यहां पे है ना बचने ना पाए यहां पे देखे कैसे बच के जाएंगे है ना चलो जल्दी बताओ यहाँ पे अरे भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना गर्दा उड़ाओ जल्दी से क्या पूछा जा रहा है ऑन लाइट लोड कंडीशन है ना तो लाइट लोड कंडीशन का मतलब होता है आप नो लोड no ले सकते हैं ना तो लाइट लोड इज नथिंग बट यहाँ पे क्या बात की जा रही है नो no लोड है ना तो कलर चेंज किया है ना ठीक है कलर ये ऐसा लग रहा है इस इस कलर को है ना कि इसकी जिंदगी से कलर से चला गया है तो अब देखो यहाँ पे जो नो no लोड है हमारा तो नो लोड पे देखिए यहाँ पे इंडक्शन मोटर है ना इंडक्शन मोटर की बात करें तो नो लोड जो पावर फैक्टर होता है हमारा नो लोड पावर फैक्टर तो नो लोड पावर फैक्टर जब मशीन हमारा नो लोड पे ऑपरेट होता है तो जनरली जो नो लोड पे रिलेक्टेंस का वैल्यू होता है रिलेक्टेंस का वैल्यू कैसा होता है आपका हाई रिलेक्टेंस होता है आपका है ना और हाई रिलेक्टेंस होगा तो यहाँ पे मैग्नेट क्या होगा यहाँ पे हाई रिलेक्टेंस होता है ना तो जो एयर गैप है एयर गैप में स्टेबलाइजमेंट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन है ना यानी कि एयर गैप में जो आपका फ्लक्स का स्टेबलाइजेशन है फ्लक्स को स्टेबलाइज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा करंट ड्रॉ किया जाएगा है ना तो यहां पे जो आपका एयर गैप है ये वाला एयर गैप है ना तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तो क्या हो जाएगा करंट ड्रॉ किया जाएगा जीरो पॉइंट थ्री के बीच में मिलता है एक बार एयर गैप आपका स्टेबलाइज हो गया और मोटर हमारा फुल लोड पे वर्क करने लगा तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो हमारा क्या हो जाता है इंप्रूव हो जाता है सो दिस इज योर फुल लोड पावर फैक्टर याद रखना है इसको ठीक है फुल लोड पावर फैक्टर कभी भी देखो इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन दिया हो और पावर फैक्टर मिसिंग हो तो अज्यूम कर लेना है ना क्या अज्यूम करेंगे वहां पे पावर फैक्टर अज्यूम पावर फैक्टर 0.8 पॉइंट एट कर लेना ठीक है इस बार ऐसे में एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि जहां पे पावर फैक्टर को मेंशन नहीं किया गया था लेकिन उसने कहा था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेटेड एट ए फुल लोड तो फुल लोड पे जनरली जो पावर फैक्टर देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है जीरो देखने को मिलता है ठीक है अगर आगे से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो वहां पे अज्यूम कर लेना हाँ, अगले क्वेश्चन में चलिए यूनिवर्सल मोटर हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वेरिएबल स्पीड करेक्टिंग बिकॉज एट किसकी बात की जा रही है यहां पे यूनिवर्सल जो मोटर है हमारा यूनिवर्सल मोटर के लिए बात किया जा रहा है जल्दी से बताएंगे सभी लोग तो यहाँ पे देखो पायस अभिषेक सभी लोगों ने बढ़िया तरीके से गर्दा उड़ाया है ना और फटाफट से लाइक वाइक करते जाओ अच्छा अब देखो यहां पे यूनिवर्सल मोटर है ना तो जो यूनिवर्सल मोटर है ना यूनिवर्सल मोटर हम किसको बोलते हैं नथिंग बट डीसी सीरीज मोटर को बोलते हैं डीसी सीरीज मोटर तो यहाँ पे देखो क्या होगा हमारा यूनिवर्सल मोटर इज सीरीज मोटर अब देखो जो डीसी सीरीज मोटर है हमारी यहाँ पे ये यह आपका डीसी सीरीज मोटर तो ये हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गया और ये क्या हो गया आपका आर्मेचर सर्किट हो गया है ना थोड़ा सा बिल्लू वहंगर फिगर बना रहा हूं तो काम चला लेना यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये यह आपका लाइन करंट है ना ये आपका लाइन करंट हो गया और यहाँ से यह फील्ड करंट हो गया ये हमारा क्या हो गया आर्मेचर करंट हो गया तो अब इसने क्या कहा कि यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो टी प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा टी प्रोपोर्शनल होता है आई ए अब क्योंकि यहाँ पे सर्किट हमारा कैसा है सीरीज सर्किट है आपका है ना तो करंट आपका सारा का सारा सेम रहने वाला है तो अब यहाँ पे यहाँ पे अगर जैसे जैसे आपने जैसे लोड बढ़ाया है ना तो करंट आपका बढ़ेगा करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे फील्ड करंट का वैल्यू बढ़ेगा फ्लक्स भी बढ़ेगा तो यहाँ पे आपका जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल आ गया तो टी प्रोपोर्शनल क्या निकल के आ गया हमारा आई ए स्क्वायर सो दिस इज द रीजन ये कि यानी कि जो आपका फील्ड सर्किट है फील्ड सर्किट की वजह से यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा हाई स्टार्टिंग टॉर्क देखने को मिलेगा तो राइट right ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सीरीज बाउंड या फिर सीरीज फील्ड हो जाएगा ऑप्शन डी आपका एकदम ठीक ऑप्शन है आपका है ना चलो आगे बढ़ते हैं द स्टार्टर रिकमेंडेड फॉर ट्वेंटी एचपी पी गेज इंडक्शन मोटर चलो बताओ यहाँ पे ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ना यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि का यूज किया जाएगा आपका जल्दी से बताएंगे बहुत सही बढ़िया तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि यहां पे अगर ट्वेंटी हॉर्स पावर है ना ट्वेंटी एच की अगर मोटर है तो यहाँ पे उसके लिए कौन सा मेथड स्टार्टिंग के लिए यूज करने वाले हो आप लोग है ना स्टार डेल्टा या फिर फेस प्लेट स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर चलो बताओ जल्दी से यहाँ पे है ना अब देखो यहाँ पे ये यह वाला जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा क्या सोचना पड़ेगा वो चीज देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे ये यह देखो है ना लहराती हुई लकीर बनाई मैंने यहाँ पे अब यहां पे आपको पता है कि यहां पे जो वन एच है इसमें कितने वॉट होते हैं सेवन फोर्टी सिक्स है ना तो यहां पे ट्वेंटी एच आपको करना है तो ट्वेंटी एच को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा सेवन फोर्टी सिक्स इंटू ट्वेंटी है ना जो कि लगभग लगभग आपका कितना निकलेगा आपका फिफ्टीन किलो वॉट निकलेगा ठीक है ये इतना निकल आया अब आपको पता है वैसे तो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसी होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज अ सेल्फ स्टार्ट

और इसको तो हटाई दो डायरेक्ट ऑनलाइन जो है आपका फाइव किलो तक यूज कर सकते हो और बियॉन्ड विच अगर ग्रेटर देन ट्वेंटी किलो वॉट है तो हम यहाँ पे स्टार डेल्टा यूज करते हैं अब ऑप्शन में क्या जाओगे है ना क्योंकि यहाँ पे स्टार डेल्टा भी आप प्रेफर कर सकते हो ऑटो तो ट्रांसफार्मर भी प्रेफर कर सकते हो बट एज यू नो कि जो स्टार डेल्टा है हमारा एक किसके लिए रनिंग कंडीशन होना चाहिए डेल्टा रनिंग कंडीशन होना चाहिए तभी यूज कर सकते हो तो यहां पे ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ में आप जाओगे है ना क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में हीटिंग का प्रॉब्लम भी नहीं होता है यहाँ पे हीचिंग की प्रॉब्लम होती है और ऑटो ट्रांसफार्मर आप डायरेक्टली यहां पे जो टर्न रेशियो है के इसको वेरी करा के वोल्टेज को वेरी करा सकते हो गेटिंग बाई पॉइंट है ना तो यहाँ पे किसके साथ में जाओगे ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ में जाओगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर इज द बेस्ट मेथड फॉर स्टार्टिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर हालांकि यहाँ पे आप इसके लिए आर्ग्यू कर सकते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए भी क्योंकि यहाँ पे पी एस भीमरा में साफ साफ लिखा है कि अप टू ट्वेंटी किलो तक के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्टार डेल्टा मेथड भी ठीक है चलो आगे चलेंगे इन डबल स्क्वायरल गेज मोटर आउटर गेज इज मेड ऑफ हाई रेजिस्टेंस मेटल बार्स प्राइमली फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग गुड इवनिंग श भाई इतना लेट नहीं आते हैं ना आधा घंटे का क्लास हो गया तो यहां पे प्रियंका لبدیب बबीता सभी लोग आंसर्स बता रहे हैं अब देखो यहां पे एज की जो हमारी इंडक्शन मोटर है कितने टाइप का होता है दो टाइप का होता है ना एक होता है आपका स्क्वायरल केज मोटर और दूसरा होता है हमारे पास में स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर अब आप कहिए कि भेदभाव क्यों है ना दो दो चीजें क्यों तो इंडक्शन मोटर यहाँ पे दो दो टाइप का बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है देखो तो जो हमारा केज मोटर है केज मोटर है ना और दूसरा होता है आपके पास में रिंग इंडक्शन मोटर अब जो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर है इसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है हमारा हाई होता है और वही अगर हम बात करें केज मोटर की तो केज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कैसा होता है हमारा लो होता है ना वाइल एक बार मोटर कहां पे पहुंच गया स्टेडी स्टेट में पहुंच गया ना तो यहां पे जो केज मोटर है ना इसके रनिंग कैरेक्ट्रेडिक्स आर मच मच बेटर एज कंपेयर टू द स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर ऑल्सो यहां पे पता है रफ एंड टफ कंस्ट्रक्शन होता है आपका चीप होता है आपका स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में हम क्या करते हैं यहां पे जो रोटर रेजिस्टेंस है R2 इसको कनेक्ट करते हैं जिसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क हमारा इंक्रीज हो जाता है तो एज यू नो की स्टार्टिंग टॉर्क आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप R2 को बढ़ाते जाओगे बट ये कंडीशन आपका सेचुरेशन तक ही वैलिड होता है ना अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि चलो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कुछ कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क आपका जो लो मिल रहा था ना इसी को हाई करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया आपका यहाँ पे जो आपका डबल केज रोटर है उसको हमने यूज किया तो देखिए कैसा होता है डबल केज रोटर तो ये देखिए इस तरीके से हमारा क्या होता है यहाँ पे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे देखिए ना ये आपको दो यहाँ पे केस दिख रहा है ना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दो केज बनाएंगे यानी कि एक आउटर होगा दूसरा इनर होगा जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम में अच्छी तरीके से दिख रहा होगा तो ये हमारा क्या है दिस इज द आउटर केज और ये हमारा क्या है इनर केज होता है आपका ठीक है तो यहाँ पे आउटर केज और इनर केज सिंगल आप पूछ सकते हैं सर सिंगल ही बना लेते डबल बनाने का क्या जरूरत है डबल इसलिए बनाया क्योंकि डबल के केस में यहाँ पे जो स्किन इफेक्ट है ना स्किन इफेक्ट आपका रिड्यूस हो जाता है तो एज यू नो स्किन स्किन इफेक्ट इफेक्ट आपका यहाँ पे अगर आएगा तो चार्जिंग करंट का प्रॉब्लम भी आएगा ना और स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका सॉरी जो मैक्सिमम टॉर्क है वो अफेक्ट होता है तो इसलिए हम यहाँ पे इनर केज और आउटर केज दो बनाए तो यहाँ पे इन दिस केस जो आपका स्किन इफेक्ट है क्या होता है आपका रिड्यूस हो जाता है ना तो यहाँ पे ये यह जो आपका

आगे बढ़ते हैं यहां पे ड्यूरिंग रिजनरेटिव ब्रेकिंग द मोटर ऑपरेट एज ए चलो सर यहाँ पे तैयारी कैसे करूं प्लीज कुछ बताइए यार है ना तैयारी कैसे करो बेटा पढ़ाई करके है ना या तो सेल्फ कर सकते हो सेल्फ कर सकते हो तो सेल्फ कर लीजिएगा और आपको लगता है कि किसी यहां पे गाइडेंस की जरूरत है तो गाइडेंस में आके कर सकते हो ठीक है चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग द मोटर ऑपरेट एज है ना तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है रीजनरेटिव ब्रेकिंग की यहाँ पे बात की जा रही है तो देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग में होता क्या है हमारे पास में तो यहाँ से जैसे मोटर है हमारा ना तो मोटर में यहाँ पे जो हमारा बैक ई एम एफ है ई ये क्या है आपका वी प्लस आई ए इन आर है ना और यहाँ पे जो ई e है डायरेक्टली किसके प्रपोर्शनल होता है स्पीड के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है अब जैसे यहाँ पे देखिए ना ये वाला डाउनवर्ड स्लोप मैंने यहाँ पे ले लिया है ना अब यहाँ पे ये जो डाउनवर्ड स्लोप है यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जैसे स्पीड हमारा क्या होता जा रहा है इंक्रीज होता जा रहा है ना तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा जो ई बी है ई बी क्या हो जाएगा यहाँ पे जो ग्रेटर देन वी हो जाएगा हमारा सो वेन ई बी ग्रेटर देन वी यानी कि यहाँ पे रिवर्स कंडीशन में आपका आ जाएगा देन यहाँ पे क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है ना स्पीड जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ेगा आपका जो बैक है ये भी बढ़ेगा अब जो पावर है पावर हमारी रिवर्स पावर यहाँ पे फ्लो होने लगेगी पे पावर जो आपका लोड से सोर्स की तरफ यहाँ पे जो पावर है वो आपकी फ्लो होने लगती है आपका नथिंग बट इसी को अपन क्या बोलते हैं रीजनरेटिव तो अब यहाँ पे जो मोटर एक्शन गेट कन्वर्टेड इन टू द जनरेटर एक्शन थे कैसे काम करेगा यहाँ पे जनरेटर की तरह काम करता है ठीक है चलो आपके ट्वेंटी सेकेंड लेना चाहूंगा यहाँ पे तो गाइज देखिए जैसा कि यहाँ पे आप पूछ रहे थे ना तो डिपेंड करता है आपके ऊपर में अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ कैपेबल है लेकिन अगर आपको यहाँ पे एक बार शिद्दत के साथ में तैयारी करना है सारे कॉन्सेप्ट के साथ में है कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटे ना बार बार का झंझट खत्म हो तो देखिए यहाँ पे अगर एस एस जेई में इनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एमपीपीजी सेल में कर सकते हैं डीडीए जे का यहाँ पे पूरा कोर्स अवेलेबल है जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा गिरा दी गई है और आप चाहे तो आप रिविजन पर्पज के लिए ले सकते हैं ना और यहाँ पे 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 ये है 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 आपका देखिए में बेसिकली क्या होता है? कि का का बैच, बैच बैच सारे के सारे के जो बैच है ना इंक्लूड रहते हैं और प्लस यहाँ पे देखिए लाइव क्लासेस के साथ साथ ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता है जिसमें बारह सब्जेक्ट टेक्निकल के पांच सब्जेक्ट नॉन टेक के आपके पास में अवेलेबल रहते हैं जो की ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी एग्जाम को कवर कर लेते हैं है ना साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखिए प्लस टेस्ट सीरीज है ना जैसे कॉम्बो मिलता है ना कि दो सौ रुपए में एक आइसक्रीम मिला और वहीं साढ़े तीन सौ रुपए में पूरा है ना पापड़ आपड़ है ना सैलेड और रसगुल्ला वगैरह सारी चीजें तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे महापैक में सारी चीजें आपको मिल जाती है और जितने भी कोर्सेस आपके यहाँ पे आएंगे हाँ। चैनल पे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं तो अगर छह सौ छह पांच सौ छह सौ रुपए अगर आप ज्यादा दे सकते हैं तो वेल एंड गुड मैं कहूंगा कि यहाँ पे इनरोल कर लीजिएगा और अगर आपको कोई सिलेक्टेड बैच लेना है तो वहां पे इनरोल कर सकते हैं अब देखो ध्यान रहे यहाँ पे आपको कोड लगाने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड यूज करना है वो कौन सा यूज करना है सिर्फ और सिर्फ वाई चार सौ तैतीस ही यूज करना है अगर आप इस कोड के अलावा कोई दूसरा कोड यूज करेंगे तो मेरी गाइडेंस से बाहर चले जाएंगे तो फोर अंडर द माई गाइडेंस यहाँ पे कोड क्या यूज करेंगे आप वाई चार सौ तैतीस ठीक है चलो और यहाँ पे जो बैचेस उसमें टैक और नॉन टैक है ना दोनों ही कवर कराया जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर वाई चार है ना बहुत मुख्य के लवदीप है ना अभी बहुत प्यारे प्यारे कटाई हो जाएगी तुम्हारी हाँ तो आप एमपीपीजी सेल में एनरोल कर सकते हैं आगे चलेंगे यहां की तरफ इन अ थर्मल पावर प्लांट द फंक्शन ऑफ इकनोमाइजर है ना देखो कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा हीट वाटर यूजिंग द फ्लू गैसेस तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे अपन लोग रेयरली क्वेश्चन नहीं आता है चलो द परमिसेबल वोल्टेज ड्रॉप ऑफ इन अ लाइटनिंग सर्किट तो देखो जो लाइटनिंग सर्किट है ना तो यहाँ पे लाइटनिंग सर्किट में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो यहाँ पे जो आपका आईई रूल है आई ई रूल है 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 ना ना का का जो जो ये क्या कहता है? कि यहाँ पे 2 का जो supply variation है वो आपका रहेगा plus 1 volt को लेकर ध्यान डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लिखा है तो यहाँ पे जो लाइटनिंग सर्किट है उसमें प्लस माइनस जो टू परसेंट है इसका जो सप्लाई में वेरिएशन है ये आपका इतना चलेगा ठीक है इसको याद रखेंगे इस तरीके के जो डेटा बेस्ट क्वेश्चन है वो आपके पूछे जा सकते हैं आगे चलेंगे टिक मटीरियल यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल और डाया मैग्नेटिक मटेरियल चलो जल्दी से बताइए यहां पर हम्म तो देखो यहाँ पे श्वेता सना राहुल बबीता सभी लोग यहाँ पे गर्दौड़ा रहे देखो यहाँ पे सैचुरेबल मैग्नेटिक मटेरियल है ना ये किसी काम का ही नहीं है ना क्योंकि यहाँ पे एक बार हमारा मटेरियल अगर सैचुरेट हो गया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज होने की वजह फील्ड क्या होगा डिक्रीज होगा आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं जो आपका ईजिली क्या होते हैं दे आर इजिली मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज ठीक है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट को गेन करते हैं यहाँ पे डाया मैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं जिन्हें जब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है इसके बीच में अगर यहाँ पे रखोगे ना तो यहाँ पे जैसे आपने सबस्टेंस को रखा तो यहाँ पे जो हमारा सबस्टेंस है अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा मैग्नेटिज्म को गेन करेगा ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते है? हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए आता है बिकॉज दे कैन ईजिली मैग्नेटाइज एंड दे सो दिस इज द रीजन इसका जो बी एच कर्व है वो सबसे छोटा निकलता है बी एच कर्व जितना छोटा होगा यानी कि एरिया आपका क्या होगा उतना ही स्मॉल आएगा आपका ठीक है

प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर इसी में ही छिपा हुआ है मतलब आपको कुछ भी करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं पे पे तो देखो यहाँ पे आप सभी लोगों ने गर्दा उड़ा भी दिया अभिषेक तुम्हारा बहुत अच्छे से कुटाई होगा है ना वर्षा तुम भी अभिषेक के पीछे पीछे भाग रही हो है ना ऐसा नहीं करते हैं गलत बात है ना ये आपका जीरो ऑप्शन यहाँ पे घनघोर गलत है ना घनघोर गलती ये घनघोर गलत आप नहीं कर सकते है ना मतलब इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है साफ साफ दिखाई दे रहा है ये आपका ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट के अक्रॉस यहाँ पे क्या टांग दिया है एक जो वोल्ट मीटर है ना ओपन सर्किट के अक्रॉस यहाँ पे वोल्ट मीटर टांग दिया है तो यहाँ पे जो करंट का वैल्यू करंट कितना हो गया जीरो तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पे भी कोई ड्रॉप नहीं होगा हैंस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो किसके इक्वल आ गया है वन फिफ्टी के आ गया कि नहीं आ गया ना तो कोई सोचने वाला था ही नहीं यार तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक ऑप्शन है इतना क्या सोचना था है ना चलो आगे चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका एन अल्टरनेटर इज बीइंग सिंक्रोनाइज्ड टू द पावर स्टेशन बस बार हुज फ्रिक्वेंसी कितनी हमारी फिफ्टी परसेंट है ना यहाँ पे जो बस बार है इसका फ्रिक्वेंसी कितना है पचास है आपका फिफ्टी हर्ज है आपका इफ द बल्ब ऑफ द सिंक्रोनो स्कोप ग्लो द मैक्म ब्राइटनेस द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटर इज अब देखो सबसे पहली बात है यहाँ पे कि जो आपका सिंक्रोनोस्कोप है सिंक्रोनोस्कोप हम यूज क्यों करते हैं है ना तो जो सिंक्रोनोस्कोप है फेज सीक्वेंस सीक्वेंस फेज फेज यानी कि डिफरेंस और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है इसको मेजर करने के लिए आप सिंक्रोनोस्कोप का यूज करते हैं तो यहां पे अगर देखो मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ में अगर हमारा यहाँ पे ग्लो आ रहा है इसका मतलब फेज सीक्वेंस और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी वो कैसी आपकी सही है तो इसका मतलब यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी अब कितनी देखने को मिलेगी आपको 50 फिफ्टी ही देखने को मिलेगी फ्रिक्वेंसी विल नेवर चेंज है ना फ्रिक्वेंसी थोड़ी ना चेंज हो जाएगा आपका है ना बस बार का जनरेटर का आपका दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन मतलब यहाँ पे मैगजिम राइटनेस इसका मतलब फेस सिक्वेंस आपका सही है और जो आपका बस बार है उसके पैरल में आप जो अल्टरनेटर उसको अब कनेक्ट कर सकते हो इक्वेशन भैया इक्वेशन कहाँ है कहाँ है इक्वेशन है ना मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा विच लॉजिक गेट फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय यार तुमको दिखाई दे रहा है इक्वेशन कहा गया एवब इक्वेशन तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन मिसिंग हो गया है ना तो कोई बात नहीं है तो देखो अगर नैंड होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा नैंड के लिए हमारा तो नेट के लिए क्या हो जाएगा आपका ए बी का होल बार और एस को डी मार्गन लॉ से क्या लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार एक्स और है ना एक्स और को अपन क्या लिखेंगे ए एक्स और बी तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा ए बार प्लस सॉरी ये कितना आ गया हमारा यहाँ से तो इट इज ए बार बी प्लस ए बी का बार है ना और यहाँ पे अगर नॉर है तो नॉर के लिए क्या आ जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल बार दैट विल इक्वल टू द ए बार डॉट बी बार और यहाँ पे अगर एक्स नॉर है तो एक्स नॉर के लिए किया जाएगा हमारा ए x नॉर बी और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा ए बार बी प्लस ए बी आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आई थिंक भूल गए थे भाई तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए बी सी डी है ना सभी सरकारी ऑप्शन लगा दो तो। हम्म आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे इनविजिबल पेंसिले का है ना क्या बात है शायद है ना बहुत अच्छे कोई बात नहीं है ना चार ऑप्शन मैंने बता दिए <laughs> अगले क्वेश्चन पे चलो यहाँ पे देख दो एकदम बच्चा क्वेश्चन आगे मिल गया है ना आ, एक ट्रांसफार्मर आपको दे रखा है ना जाना पहचाना सा ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो कितना है द नंबर ऑफ टर्स ऑन द प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी साइड है ना तो प्राइमरी साइड में आपका जो टर्न मतलब यहाँ पे जो टर्स है वो आपका पूछा गया अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज बता दू आपको बढ़िया सी मजा आएगा आप लोग अक्सर यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है सॉरी टर्न रेशियो है ना टर्न रेशियो को लेके आप यहाँ पे क्या रहते हैं कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर आपका एन वन अपॉन एन टू होगा या फिर एन टू अपॉन एन वन होगा इस चीज को लेके बहुत आप यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा ट्रांस जो आपका टर्न रेशियो है तो आज के बाद अगर कोई कभी कहे तो उसके मुंह पे ये फेंक के मारना तो जो टर्न रेशियो होता है के अकॉर्डिंग टू आई ट्रपल अकॉर्डिंग टू आई ट्रपल और अगर आप कहेंगे कि सर ये क्या है तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा है ना being electrical electronics engineer ये तो पता होना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू आई नंबर ऑफ टन इन द हाई वोल्टेज साइड टू द नंबर ऑफ टन इन द लो वोल्टेज साइड अब देखो यहां पे रट्टा खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया है एन वन अपन एन टू लेना एन वन लेना ठीक है चलो तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सो वी वन अपॉन वी टू दैट मस्ट बी इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू हो गया हमारा तो यहाँ पे निकाल दो फटाफट से ये कितना है आपका 2000 डिवाइडेड बाय 200 और ये टन्स कितना आ गया हमारा प्राइमरी हम्म हु, कितना दे रखा है आपका प्राइमरी तो निकालना है ना एन वन डेट इज ए सिक्सटी सिक्स तो यहाँ से एन वन का वैल्यू निकाल दो कितना आ रहा है आपका 440 आ रहा होगा क्या अच्छा छह आ 660 रहा है ठीक है तो ऑप्शन डी एक बार कैलकुलेट कर लेना ठीक है मैं इसके आगे तो कैलकुलेट नहीं करने वाला इसको याद रखना है ना जो टर्न रेशियो हमारा टर्न रेशियो क्या होता है ठीक है अगर कभी भी कोई कहे तो सीधा यहाँ पे मैंने बता दिया ना क्या करना है ठीक है तो यहाँ पे साफ साफ मतलब लिखा हुआ है तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं कि एन टू अपॉन एन वन लेना है या फिर एन वन अपॉन एन टू लेना है सीधा क्या लेना है यहाँ पे नंबर ऑफ टनसिंदा एच वी वाइंडिंग टू द नंबर ऑफ टनसा एल वी वाइंडिंग बस खेल खत्म आगे चलो इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ जनरेटन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय ये क्वेश्चन आपका बढ़िया है कौन आंसर बताएगा है ना सबसे पहले हाथ खड़ा करो और जो भी इस आंसर का सही ऑप्शन बताएगा उसे मिलेगा यहाँ पे आज चॉकलेट चलो आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब है ना आपके पास में 20 सेकंड है जल्दी से बताइए ट्वेंटी सेकेंड आप लोगों के पास में है ना टाइम स्टार्ट होता है अब आपका मतलब हो चुका है और आपको विनर्स जो है विनर्स को मिलेगा चॉकलेट बहुत दिनों से आपको चॉकलेट नहीं दिया है चलो जल्दी से बताइए फटाफट से क्या हुआ राइट ऑप्शन जल्दी बताओ जल्दी भैया ना चॉकलेट जीतने का बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोगों के पास में पांच सेकंड और बचे पांच सेकंड पांच सेकंड टाइम अप टाइम अप है ना टाइम अप हो गया है ना तो यहां पे देखो टाइम अप हो गया वर्षा के ऊपर है ना तो श्वेता सोविक वर्षा तीन लोगों ने यहाँ पे आंसर किया जिसमें से श्वेता का आंसर बिल्कुल ठीक है ऑप्शन सी आपका एकदम ठीक है ना तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी बताया वैसे ठीक है तो श्वेता को चॉकलेट दिया जाता है यहां पे ठीक है बाकी यहाँ पे पायस और लबदीप इन्होंने भी ठीक आंसर बताया बट बता आपने लेट कर दिया है ना चॉकलेट आपके यहां से चला गया कि नहीं चला गया अब देखो यहाँ पे इन्वर्टेड ऑपरेशन है ना इसका मतलब क्या है तो यहाँ पे एक बार इसको है ना अच्छे से देख लेते हैं देखो होगा क्या जैसे मान लीजिए ना यहाँ पे जैसे ये जनरेटर है हमारा है ना ये आपका जनरेटर वन है यहाँ पे ओके और यहाँ पे एक मैंने क्या लिया जनरेटर टू ले लिया और ये जनरेटर वन और यहाँ पे जनरेटर जो टू है दोनों मिलके यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक लोड को आप सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे है ना यहाँ पे क्या लगा यहाँ पे लोड लगा हुआ है ठीक है अब होगा क्या यहाँ पे जैसे मान लीजिए जनरेटर टू हमारा क्या हो गया फेल हो गया आपका है ना इट इज फेल्स टू ऑपरेट फेल हो गया हमारा अब यहाँ पे जनरेटर जी टू है ये किससे कनेक्टेड होगा यहाँ पे टर्वाइन से कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा है ना यहाँ पे टर्वाइन आपका लगा होगा अब यहाँ पे टर्वाइन जो है आपका यहाँ पे हो गया ऑपरेटर घूमना बंद कर दिया अब यहाँ पे क्या होगा फेलर आपका तर... मतलब यहाँ पे फेल हो गया हमारा अब यहाँ पे जो जनरेटर है जनरेटर किस की तरह काम करेगा एज ए मोटर की तरह काम करेगा और यहाँ पे जो टर्वाइन है टर्वाइन को रोटेट कराने की कोशिश करेगा किसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा यहाँ पे टर्बाइन को रोटेट कराने का कोशिश करेगा जैसे है ना अभी आप है ना किसी बाहुबली से लड़ जाए है ना और उसको कहेंगे चलो बाहुबली की आज है ना कुश्ती करते हैं तो अब यहाँ पे होगा क्या अब देखो है ना वैसे तो छुटका सा इतना पिद्दी सा था और टर्बाइन को घुमाने का कोशिश कर रहा है तो अब इसके लिए क्या करेगा बेचारा है ना टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा अब यहाँ से हाई अमाउंट ऑफ जो ह्यूज करेंट है ये आपका कहां से ड्रॉ करेगा जनरेटर जीवन से अब जनरेटर जीवन के प्राण पखेरु उड़ना यहाँ पे तय है है ना क्योंकि ऑलरेडी लोड को सप्लाई कर रहा था और इतना हैवी लोड यहाँ पे लग गया अब यहाँ पे है ना ये फड़फड़ाने लगेगा जो अंतिम प्राण अंतिम क्षण होते हैं ना वो इसके आ जाएंगे तो अब यहाँ पे पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं रिवर्स पावर रिले लगाते हैं ना तो जैसे यहाँ पे करंट जो है आपका रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हुआ इमीडिएटली यहाँ पे जो आपका रिवर्स पावर रिले इसे वॉट मैट्रिक रिले भी बोलते हैं ना ये आपका क्या हो जाएगा यहां पे ऑपरेट हो जाएगा यानी कि सिग्नल जो है सर्किट ब्रेकर को चला जाएगा और यहां से क्या करेगा सप्लाई को कट कर देगा जिस वजह से हाँ पे पूरा सिस्टम आपका बच जाएगा तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा यहां पे रिवर्स पावर रिले इसका दूसरा नाम क्या होता है वॉटमेट्रिक रिले भी होता है ठीक है चलो समझ में आया सभी को आगे चलते हैं ये भी एक अगला क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ना ये भी तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है वट इज कंडीशन ऑफ नेसेसरी टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप चलो बताओ तो जल्दी से बढ़िया अच्छा तो बताओ भाई क्या भेजा जाए है ना पिज्जा बर्गर इसके अलावा और कुछ चाहिए तो बताओ है ना और कोई स्पेशल आ गया हो तो बताओ यहाँ पे चलो तो जल्दी से बताओ तुम लोग भी है ना खूब मजे करते रहते हो बहुत अच्छे हम्म अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ बहुत बढ़िया बाकी अगर तो किसी को भी कुछ चाहिए तो यहां तक अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन तक तो आना पड़ेगा है ना ऑफिस तो सभी लोग जानते ही है ना गुड़गांव में आ जाओ फिर आप सब लोगों को पिज्जा पार्टी की जाएगी आप लोग कहते हो कि सर बोलते रहते हो ना सच में मतलब सच में ही बोलता हूँ आप लोग यहाँ पे आओ ठीक है ऑफिस का एड्रेस सबको पता ही नहीं पता है तो गूगल से देख लेना थर्टी नाइन सेक्टर गुड़गांव है ना यूनिटेक साइबर पार्क आ जाओ यहाँ पे ऑफिस जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे उन सबको पिज्जा पार्टी हो जाएगी है ना अब कहते हैं ना कि जागे सो पावे सोवे से सो खोवे है ना अब कुछ कर, कुछ पाने के लिए कुछ तो देखो खोना पड़ेगा ना है ना चलो जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट ऑप्शन तो यहाँ पे देखो सोविक श्वेता बबीता और वर्षा गर्दा उड़ा दिया लोगों ने ऑप्शन सी बताया है अब देखो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा ठीक ठाक लग रहा है मुझे अब सबसे पहले देखते हैं कि रेस अराउंड कंडीशन होता क्या है ना रेस अराउंड कंडीशन अब देखो जो रेस अराउंड कंडीशन है ना रेस अराउंड कंडीशन तो यहां पे जब हमारा जेके फ्लिपलॉप में जे इक्वल टू वन और के इक्वल टू कितना होता है वन होता है ना तो जो फ्लिप फ्लॉप है आपका मोर देन वनस टॉगल कर जाता है ना टॉगल क्या होगा आपका यहाँ पे जो फ्लिप्लॉप है मोर देन वंस क्या हो जाएगा यहाँ पे टॉगल कर जाएगा यानि कि एक बार करेगा तब तो ठीक है, है, ना ना। तो है लेकिन हो जाएगा। जो कि बहुत ही भयानक प्रॉब्लम है ना तो यहाँ पे यह जो रेस अराउंड कंडीशन है कहाँ पे देखने को मिलता है जेके फ्लिपलॉप में कब जब जे एस गल टू वन और के एस गल टू वन होता है अब देखो यहाँ पे यहाँ पे पल्स को ड्रॉ कर लीजिए तो ये हमारा क्या होगा दिस इज योर पल्स है ना तो यहाँ ये पल्स कुछ है ना अलग ही पल्स चला गया तो यहां से इसको हटा दो अब यहां पे देखो जैसे हमारा फ्लिप फ्लॉप है जे के फ्लिप फ्लॉप तो एज यू नो कि यहां पे हमारा जे टर्मिनल हो गया ये के टर्मिनल हो गया आपका है ना तो अब यहां पे जब तक आप इसको पल्स नहीं दोगे तब तक ये आपका स्टार्ट नहीं होगा है ना चाहे कुछ भी कर लो जब आप पल्स दोगे तभी यहाँ पे जो आउटपुट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा है ना तो अब यहाँ पे पल्स आपने दे दी तो सिंगल क्लॉक पल्स में दो बार टॉगल कर रहा है तो यहाँ पे देखो है ना ये आपका क्लॉक पल्स है यह क्लॉक पल्स है that is, one, zero, one, zero, है ना अब देखो इनपुट और आउटपुट जब आप यहां पे क्लॉक पल्स दोगे तो यहां पे क्या मिलेगा यह हमारा इनपुट हो गया यह हमारा आउटपुट हो गया तो इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होगा आपका प्रपोगेशन डिले होगा कि नहीं होगा है ना अब यहां पे मान लीजिए आपने क्या किया यहां पे जो डिले है आपका है ना डिले है ये ज्यादा है हमारा किससे से प्रपोगेशन डिले अगर हमारे यहाँ ज्यादा हो गया तो यहाँ पे देखिए ना जब तक ये चेंज होगा तब तक ये दूसरी पे पहुंच गया आपका पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया ना तो यहाँ पे जो आपका डिले है डिले क्या होना चाहिए आपका ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए समझ गया ना क्योंकि यहाँ पे साइकिल को देखोगे ना साइकिल को देखो, देखो यहाँ से ये यह आपका एक कंप्लीट साइकिल है दिस इज द कंप्लीट साइकिल इस साइकिल के कंप्लीट होने से पहले अगर हमारा इनपुट चेंज हो गया तो यहाँ पे टॉगल आपका कर जाएगा नहीं कर जाएगा ना यानी कि जो आपका state state आपका स्टेट स्टेट है चेंज हो जाएगा तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो आपका डेल्टा टी है ना तो डिले क्या होना चाहिए यहाँ पे ज्यादा होने चाहिए किससे क्लॉक पल्स से हालांकि ये कंडीशन बहुत पुरानी हो गई हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं हमारे पास में सबसे मास्टर स्ट्रोक क्या होता है मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप है ना हम यहां पे क्या यूज करते हैं जो मास्टर स्लब जेके फ्लॉप है इसको यूज करते हैं किसके लिए रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए समझ गए चलो ओके तो आज यहीं पे फिर अपन विश्राम लेंगे ओके कैसा लगा चल अब बारी आती है आप लोगों के फीडबैक की तो कैसा लगा यार आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं और जनवन फीडबैक दे सकते हैं ना अगर कोई आपको सजेशन देना हो तो सजेशन भी दे दे सकते हैं उसका तहे दिल से स्वागत किया जाएगा तो सभी लोगों का गाइस तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को देखने के लिए लाइक और शेयर करने के लिए जो लोग यार ऑफलाइन देखते हैं ना तो आप सिंपल से कमेंट तो कर ही सकते हो जाके कि कैसा लगा सेशन आप लोगों को ठीक है चलिए तो फिर कल अपन मिलेंगे इसी टाइम पे छह बजे टिल दर्जा जगह बाय एंड वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू थैंक यू सो मच प्रियंका थैंक यू बबीता थैंक यू धर्मराज Thank you, Shweta. <laughs> Thank you, Pius. Thank you, Varsha. You. So, take care everyone and bye-bye.